चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। द्वारका विधानसभा से पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है, उनको एक बार फिर से टिकट मिला है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके ऑफिस में मिठाई बांटते हुए, मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को देखे जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं से सीधा बात करेंगे, कितना उत्साहित हैं, कितना जोश है और क्या एक बार फिर से द्वारका विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव साहब, राजीव जी क्या कुछ कहेंगे, प्रद्युम्न जी को टिकट मिला है, कितनी बड़ी बात है और क्या देखते हैं किस तरह से जीत का जो रास्ता है वो तय होगा? द्वारका विधानसभा में इस बार फिर से कमल खिलेगा और प्रद्युम्न जी को हम सारे युवा मोर्चा के साथ ही पूरी इतनी जोरदार जीत से लेकर आएंगे यहाँ पर, जो अभी तक उन्होंने किसी भी चुनाव में उन्हें नहीं मिली है। और जो भी है कांग्रेस का कार्य वो हो प्रत्याशी या आम आदमी पार्टी का, सबको धूल चटाएंगे हम। न सिर्फ युवा, बुजुर्ग आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बुजुर्ग नेता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल आप क्या कुछ कहेंगे, प्रद्युम्न जी को टिकट मिला है, क्या लगता है कितना लंबा रास्ता है जीत का? प्रद्युम्न राजपूत जी को जो टिकट मिला है इससे हमारे जो यहाँ का जो है विकास ज़्यादा होगा और हम लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि यहाँ जो है जो आम आदमी पार्टी की जमात जब्त करा के रहेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है आपका। गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, संगठन के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, क्या कुछ कहेंगे, प्रद्युम्न जी को टिकट मिला है, कितना लंबा रास्ता तय करना है, जीत अभी बहुत दूर है। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रद्युम्न राजपूत जी जैसे जुझारू हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनके ऊपर विश्वास जताया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम 2020 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा में बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के थे, पार्टी ने उनकी निष्क्रियता को देख कर उनकी टिकट काट दी और ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कभी कांग्रेस में मलाई खाई, अब वो आम आदमी पार्टी में मलाई खाने के लिए आया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारका विधानसभा के आप विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत से जिताएंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली। ये बताइए साहब कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं विधानसभा के आम आदमी पार्टी में आज विलय कर चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी का संगठन प्लस कांग्रेस का संगठन, जीत का रास्ता कितना दूर? जीत का रास्ता बहुत सरल होगा हमारे लिए। हमारे जो प्रद्युम्न राजपूत जी हैं उन्होंने आज से 5 साल पहले 100 करोड़ की योजना पास कराई थी टैंक सीवर की, जो आज तक आदर्श शास्त्री से वो पूरी नहीं हुई। द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम करके दिखाया है और मैं उनका धन्यवाद ये भी करना चाहता हूँ, हर जनता की तरफ से करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 100 करोड़ की योजना पास कराई थी टैंक सीवर की और जल बोर्ड की लाइन की, वो उन्होंने ऐसा काम किया था कि आज तक किसी विधायक ने नहीं किया और वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रद्युम्न राजपूत जी जीत का आए हैं और दोबारा उस काम को पूरा करेंगे और प्रद्युम्न जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत का आएंगे। कुछ युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदीप चौहान मौजूद हैं। प्रदीप क्या कुछ सोचते हैं, पहली जो लड़ाई थी आप लोगों की कंप्लीट हुई, आपके जो नेता हैं प्रद्युम्न उनको टिकट मिला, अब जीत दिलाने का जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचना है वो काफ़ी दूर है, कैसे मंजिल तय होगी? अनंत कौशिक जी, पहले तो मैं अपने युवा सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत कि उन्होंने पुनः हमारे बड़े भाई श्री प्रद्युम्न राजपूत पर विश्वास जताया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इतना डर गई है, उसने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट के ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके पिताजी यहाँ पर MLA रह चुके हैं, तो डर उनके फेस पर दिख ही रहा है कि उन्होंने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, बिकॉज कि उन्होंने इतना निकम्मापन था उस व्यक्ति का, वो पूरे क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिया और ना ही आम आदमी पार्टी का किया वो कोई कार्य इस विधानसभा में दिखाई दिया। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रद्युम्न राजपूत जी ने पिछली बार 87 करोड़ का काम सैंक्शन कराया था और जो अब तक पूरा नहीं हुआ है वो इस बार पूरा होगा और उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि हमारी केंद्र में जो सरकार है मोदी सरकार और हमारे बड़े भाई प्रवेश वर्मा जो कि भाजपा से हैं, तो भाजपा की जब सरकार बनेगी तीनों में, केंद्र में, विधानसभा में और नगम में, तो जो विकास होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा। धन्यवाद। कुछ और लोग मौजूद हैं, प्रदीप तंवर मौजूद हैं, आप देखें हमेशा यहाँ पे रणनीति बनाते हुए देखे जा सकते हैं प्रद्युम्न जी की जीत के लिए और तमाम जो प्रचार है उनके लिए। आपका जो पहला संकल्प था पूरा हुआ, प्रद्युम्न जी को टिकट मिला है, आगे जीत कैसे दिलाएंगे, क्या कुछ संकल्प हैं, क्या कुछ योजना है, रूठे जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे मनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का
और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय परवेश वर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रद्युम्न राजपूत जी पर पुनः अपना विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरह से पूर्व में प्रद्युम्न जी ने लगातार यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और पार्टी को मजबूत किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में विजय प्रद्युम्न राजपूत जी की होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत होगी। द्वारका विधानसभा के लिए मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? तमाम जो कार्य प्रद्युम्न जी के पूर्व के कार्यकाल में शुरू हुए वो आज तक पूरे नहीं हो पाए, विधायक गायब रहे, उनका टिकट काट दिया गया, एक स्थानीय युवा नेता जो कांग्रेस से हैं उनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, जहाँ तक बात है पूर्व विधायक की, जो कि आदर्श शास्त्री जी थे, ये तो निश्चित मत था जनता का कि वो यहाँ रहते भी नहीं थे, नोएडा से अपना यहाँ पे आना जाना अप डाउन करते थे और पूरे क्षेत्र का बुरा हाल था। और जो 87 करोड़ की योजना प्रद्युम्न राजपूत जी ने यहाँ पर लेकर आए थे, उसका 2 साल में काम पूरा होना था, जो कि आज 20% 25% से ज़्यादा काम नहीं हो पाया। यही कारण था कि आदर्श शास्त्री जी की टिकट जो है अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं समझता हूँ, काटी है। और दूसरा कारण उनकी टिकट ना देने का वो है कि जो उम्मीदवार उन्होंने यहाँ उतारा है, वो जो उम्मीदवार वो जो परिवारवाद का उम्मीदवार उतारा है, जो पैराशूट का उम्मीदवार उतारा है, जो कि पैसे के धन बल के दम पर जो उम्मीदवार उतारा है, उस निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता उनसे पहले ही उनसे भी त्रस्त थी। और ये जो दोबारा जो झटका द्वारका की जनता को यहाँ पर केजरीवाल जी ने दिया है विनय मिश्रा जी के माध्यम से, मेरा निश्चित मत है कि, क्योंकि आप ये समझिए, 4 बार महाबल जी यहाँ से सांसद रहे, नियम पार्षद रहे, परंतु क्षेत्रीय जनता ने लगातार पिछले 4 चुनाव में महाबल जी को, उनके परिवार को नकारा है। ये यही विनय मिश्रा हैं जो कि पालम से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, ये वही विनय मिश्रा हैं जो कि पैसे देकर अब केजरीवाल जी की पार्टी में चले गए हैं। ये यही महाबल मिश्रा हैं जो निगम पार्षद से लेकर जिनको कांग्रेस के सांसद तक बने, किंतु जो व्यक्ति अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, जनता का नहीं हुआ, तो मैं निश्चित रूप से जनता इस बात का करारा जवाब देगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और जांची परखी खरी छवि वाले प्रद्युम्न राजपूत जी को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपने सुना, उत्साह से लवरेज हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से द्वारका विधानसभा में कमल खिले, और इसके लिए लगातार जो प्रयत्न हैं इनके द्वारा किए जाएंगे। 8 तारीख को ये सुनिश्चित करेंगे सभी कार्यकर्ता कि द्वारका विधानसभा से जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और एक बार फिर से 11 फरवरी को यहाँ पे कमल खिलता हुआ दिखे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।